You all to geogyanam, and this is Sangeeta and today we will start the uh, geophysics lecture series only from one book, which will be William lory based on the poll which I have created on my Telegram channel. So this first chapter of this book is the Earth as a planet. So what does planet means? So it comes from a Greek word, which is wanderers. So

the sun is stationary and earth is moving around it so which were those models let's see so here comes the first model which is geocentric model it was given by the greek philosopher aristotle and he said that geocentric means geo itself indicates the earth so he means that the earth should be kept in center and sun as you can see from the diagram it is revolving around the earth

आप देख रहे हो इस डायग्राम में एक स्मॉल सर्कल है इट इज़ मूविंग अराउंड ए बिगर सर्कल तो इस स्मॉल सर्कल्स को उसने बोला एपी और बिगर सर्कल को बोला डिफरेंट तो अब यहाँ पर तो ये थ्योरी गलत हो गई कि जो अर्थ है वो और जो प्लैनेट्स है वो तो मूव करेंगे नहीं लेकिन यहाँ तो उसने बोला कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो उसने ये थ्योरी दी थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में मूव कर रहे हैं इट मीन्स हमने बोला कि जो प्लानट सन मून स्टार्स है वो निकलते कहाँ से ईस्ट से और सेट होते वेस्ट में मीन्स दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बट देर आर फ्यू एक्सेप्शन दैट प्लानट्स आर मूविंग फ्राम वेस्ट टू ईस्ट विच वर दोज प्लानट्स देवर वीनस एंड यूरनस ओके तो ये इनका मोशन हो गया रेट्रोग्रेड मोशन मतलब ये जो है हमें अपोजिट मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ सन ओके okay, अब ये रेट्रोग्रेड मोशन समझने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल पुल और हमें देखना पड़ेगा कि किस प्लानट का डिस्टेंस कितना दूर या पास है सन से ओके okay, तो ग्रेविटेशनल पुल उसका स्ट्रॉन्ग होगा विच प्लानट इज़ क्लोजर टू सन ओके और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा प्लानट का सन से तो उनका ग्रेविटेशनल पुल उतना स्ट्रोंग नहीं होगा तो दे विल मूव और अपीयर टू मूव ना स्लो स्लो वे एज़ कम्पेयर टू द प्लानट्स विच आर लोकेटेड क्लोज़र टू द सन तो ये कैसा है मोशन सपोज़ हम हाईवे पे जा रहे हैं अपनी कार लेके और हमने क्या किया कि हमारे साथ में भी एक कार है और हमने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी तो हमारी कार तो ज़्यादा स्पीड में चल रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि दूसरी कार जो है वो पीछे चल रही है लेकिन वो पीछे नहीं चल रही है उसकी बच स्पीड कम है तो सिमिलर केस जो है ये प्लान्स तो इस डायग्राम को ट्रैक करने के लिए देखो आप ईस्टवर्ड मोशन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि प्लैनेट्स आर मूविंग ईस्टवर्ड और अगर ये ब्लू लाइन को ट्रैक करो तो ये मार्स पहले ऐसे जा रहा था और जैसे ही अर्थ उसके आगे निकल गया तो हमें ऐसा लग रहा है इट इज़ मूविंग बैकवर्ड ओके आप वो लूप देख रहे हो ऊपर तो वो ऐसे लूप बन के दोबारा इसी डायरेक्शन में ईस्ट में ये ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू होगी तो इसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड मोशन रेट्रोग मतलब कि अर्थ जो है वो ओवरटेक कर गया मार्स को क्यों क्यों बिकॉज इट इज़ मूविंग इन अ फास्ट वे एज कम्पेयर टू द प्लैनेट्स विच आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सन तो उसके बाद आया हमारा फाइनल मॉडल हीलियो सेंट्रिक मॉडल इसको दिया था एरिस्टाकस ने ठीक है और किसने दिया था निकोलस कॉरपेनिकस ने तो इसने बोला कि जो सन है वो है हमारा सेंटर में और जो है प्लैनेट्स दे विल रिवॉल्व अराउंड सन तो ये है हमारी फाइनल थ्योरी जिसके बेसिस पर आज तक ये चली आ रही है ठीक है उसके बाद ये एस्ट्रोलेब है इट इज़ पुराने टाइम पे अगर टेलीस्कोप नहीं होता था तो लोग जो है इससे देखते थे कुछ भी हमें प्लैनेट्स की मोशन देखना होता था या फिर कुछ भी तो इट वॉज अर् टाइम टेलीस्कोप उसके बाद आता हमारा पैरलैक्स मेथड ये क्या होता है सिंपल आप एक फिंगर अपने हाथ के आगे रखो ओके और एक आइज को क्लोज करो और अगर आप दूसरी आँखों को बंद करोगे और उसी फिंगर को देखोगे तो क्या होगा कि आपको एक ही एक ही पॉइंट को देखने के लिए आपकी दो डायरेक्शंस बन जाएंगी जैसे कि आप राइट में फ़ोटो देख रहे हो अगर हम इस तार को लेफ्ट से देखें तो यहाँ से एक लाइन बनेगी और राइट से देखें तो यहाँ से एक लाइन बनेगी तो क्या हो रहा है कि पोजिशन शिफ्ट हो शिफ्ट हो रही है और पॉइंट एक ही है लेकिन हमारी पोजिशन जो है शिफ्ट हो रही है तो वही है पैरलेक्स इट इज़ द एपर शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर वन वी शिफ्ट अवर आइज साइड ठीक है तो ये क्या है जो एंगल बनेगा इसके बीच में ये अर्थ की पोजिशन फर्स्ट पोजिशन है और सिमिलरली अगर हम जब ये अर्थ उस पोजिशन में दूसरी पोजिशन पर जाएगा तब वहाँ से उस सन का डिस्टेंस जो है वो देखेंगे हम विच इज़ पी वन एंड पी टू और उसके बीच का एंगल होगा थीटा वन एंड थीटा टू इसी मेथड से जो है हमें एक चीज पता लगती है, है है, है वो क्या है हमारा Main distance है, किसके बीच में Between the earth and sun. तो ये कितना होता है, distance? इसको याद के लेना इस value को. It is 93 million miles, और अगर मिलियन किलोमीटर में होगा तो वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर और इसको ये भी बोलते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली एट लाइट मिनट्स उसके बाद दो टर्म्स आते हैं विच इज सर्कल एंड एलिप्स तो मैं ये बताना चाहती हूं जो सर्कल है उसका तो एक ही फोकस होता है या फिर अगर प्लूरल फॉर्म में बोले तो फोकाए सी आई और अगर एलिप्स होगा तो उसका क्या होता है कि दो फोकस होते हैं और एक सेंटर होता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी सेमी मेजर एक्सेस है और जो वर्टिकल लाइन है इट इज सेमी माइनर एक्सेस जो कि छोटी है तो एलिप्स क्या बन गया ऊपर से हमने क्या इसको कर दिया फ्लैट कर दिया सर्कल को ही इससे जो है हमारे तीन कैपलर के लॉ बनते हैं है ना हमने पढ़े होंगे तो पढ़ लेते हैं उसको फर्स्ट क्या है कि प्लानेटरी ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल विद द सन एट द फोकस अब इसमें क्या है कि मैंने जैसे पीछे डायग्राम में आपको बताया कि ये एलिप्स में देखो एक दो फोकस है ना तो फर्स्ट लॉ में क्या करा कि एक फोकस पे हमने क्या रख दिया सन को देख रहे हो आप रेड बॉल वहाँ पे एक फोकस फोकस uh, पे रख दिया हमने सन और जो प्लानट ऑर्बिट ऑर्बिट मतलब जो मूवमेंट हो रही है प्लानट के अराउंड दी सन uh, तो वो एक एलिप्टिकल मैनर में हो रहा है वो एलिप्स के फॉर्म में हो रहा है सर्कल की फॉर्म में नहीं है ठीक है तो ये है हमारा कैपलर्स का फर्स्ट लॉ उसके बाद दूसरा लॉ है कैप्लर्स का ये कि जब ये प्लानट जो है अगर एक मंथ में यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और सिमिलरली दूसरी पोजिशन पर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो वो जो है एक ही एरिया इक्वल अमाउंट में स्वीप करेगा मतलब कि उसको सिमिलर टाइम लगेगा अगर उसको यहाँ से यहाँ एक महीना लगाया वन मंथ लगाया तो दूसरी जगह भी उसको वन मंथ ही लगेगा मीन्स ए वन विल भी इक्वल टू ए टू चाहे वो किसी भी पोजिशन पे मूव करे और इस, इसी के साथ कुछ टर्म्स आती हैं इसमें कन्फ्यूज मत होना पेरिलियॉन और पेरीजी ये क्या है पेरिलियन जो है वो होता है अर्थ और सन के बीच में और पेरीजी क्या होता है इट इज बिटवीन मून एंड अर्थ तो पेरिलियॉन क्या है इट इज लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन सन अराउंड जनवरी थ्री तो जब पेरीलियन क्या है कि जब वो सन के बहुत ही पास होगा तो उसको बोलेंगे पेरीलियॉन और एपिलियन क्या है कि जब वो बहुत दूर होगा यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में जुलाई फोर में एपिलियन होता है ठीक है तो वो सबसे दूर है सन से इसी तरह पेरीजी वो किसके बीच में है मून और अर्थ के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस उसके बाद एपोजी वो क्या है सबसे दूर जब वो मून और अर्थ से ओके okay, और उसके बाद लास्ट हमारा जो कैपुलर्स का लॉ है वो है कि द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट तो आप यहाँ पे ए देख रहे हो ये क्या है मैंने आपको बताया था पीछे डायग्राम इट इज़ वर्ट हॉरिजोंटल इज सेमी मेजर एक्सिस तो वो क्या है हमारी ए तो जो हमारा ऑर्बिटल पीरियड है प्लानट का मीन्स टी है ऑर्बिटल पीरियड वो किसके बराबर है इट इज़ इक्वल टू द क्यूब ऑफ देयर एरिया क्यूब ऑफ मेजर एक्सेस नॉट एरिया सॉरी तो टी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी ए क्यूब तो ये हो गया कैपलर का थर्ड लॉ और इसी कैपलर के थर्ड लॉ के बाद जो हमारा आते हैं न्यूटन न्यूटन आते हैं उन्होंने क्या दिया कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे अर्थ है और सन का उसके बीच का डिस्टेंस हो गया टी और जो मास हो गया एम हो गया अर्थ का और एक एम मास हो गया सन का तो इससे उन्होंने बना दिया हमारा न्यूट्रल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओके तो नेक्स्ट पार्ट हम uh, कल डाल देंगे तो अगर ये पार्ट आपको ठीक लगा तो बताना मुझे अदरवाइज कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो भी कमेंट करना ओके थैंक यू सो मच डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकिन